नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंच पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आज एक बहुत ही यूजफुल सा एक प्रोडक्ट है, बहुत दिनों से जब से कोविड आया है, ये जो बीमारी आई है कोरोना वायरस, उसके बाद से ये बहुत पुराना केमिकल है वैसे, लेकिन ये बहुत वाइडली अभी यूज हो रहा है और बहुत यूजफुल है। तो मैं सोचा कि आप लोगों से इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। तो इस केमिकल का नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। बहुत ही सस्ता, 100 रुपए में करीब 5 लीटर की एक केन मिल जाती है, कहीं कहीं पे 100 रुपए से थोड़ी ज्यादा लग सकते हैं। इट्स अ वेरी यूजफुल केमिकल फॉर डिसइंफेक्शन, मतलब आपको जैसे आपको ये जो बीमारी है इससे बचने के लिए काफी सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है अपने आपको, अपनी प्रेमाइसिस को, जैसे कोई बिजनेस में होंगे या घरों में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके मैं स्टेप बाय स्टेप 2-3 पॉइंट बताऊंगा जो कि बहुत यूजफुल है। इसमें ये जो इसकी यूज बताने से पहले मैं इसका एक बहुत जो नेगेटिव इम्पैक्ट है जिसकी वजह से आपको काफी नुकसान हो सकता है वो मैं पहले बता देता हूं कि सोडियम हाइपोक्लोराइड बहुत अच्छा और बहुत यूजफुल केमिकल है, लेकिन अगर आपने इसको लापरवाही से यूज किया तो ये नुकसान भी कर सकता है। तो क्या क्या नुकसान कर सकता है? सबसे बड़ा नुकसान है, नुकसान नंबर 1, वो ये है किसी भी मेटल पे अगर आप उसको स्प्रे करोगे रेगुलरली और क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड अगर आपने ज्यादा रख दी, दो बात है, एक तो आपने मेटल पे और क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसको आपको पानी में मिलाना होता है वो अगर आपने ज्यादा रख दी तो जो मेटल पार्ट है उसमें रस्टिंग हो सकती है, जंग लग सकती है अगर लोहे का आइटम है तो, मतलब मेटल मीन्स स्पेशली आयरन, लोहे से रिलेटेड जो हो जिसमें स्टेनलेस स्टील भी शामिल है, क्रोम कोटेड भी शामिल है, पाउडर कोटेड भी शामिल है और नॉर्मल जो लोहे का सामान है वो भी शामिल है, उसमें जंग लग सकता है। तो आपने काफी हॉस्पिटल्स वगैरह में अभी आप जाओगे अगर आप कोरोना वायरस के टाइम पे, तो बहुत सारे लोगों ने एकदम बिल्कुल दिल खोल के सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज किया है तो उनके काफी सारे जो लोहे के फर्नीचर है, जो पब्लिक सिटिंग चेयर्स है उनमें सब में जंग लग गई है, या बड़ी बड़ी ऑफिस के जो चेयर्स में जो नीचे पंजे लगे रहते हैं तो वो लोहे के पंजे या क्रोम फिनिश के जो पंजे लगे हुए उसमें सब में जंग लग गए हैं वो सोडियम हाइपोक्लोराइड की यूज की वजह से, और इम्प्रॉपर यूज के नहीं, मतलब प्रॉपर जानकारी नहीं होने की वजह से उसमें जंग लग गया। दूसरी इसका जो नुकसान हो सकता है वो है जो आपके जो कपड़े हैं उसको भी डिसइंफेक्ट करता है, बट अगर आपको इसने आपने इसको डायरेक्टली यूज कर लिया या इसको ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर लिया तो आपके कपड़े में जो कलर चढ़ा हुआ होता है, जो रंग चढ़ा हुआ होता है उसको डिसकलर भी कर सकता है, आपके कपड़े को खराब कर सकता है, कहीं भी एक बूंद गिर गई तो वहां से वो बिल्कुल कपड़ा सफेद हो जाएगा, ब्लीच हो जाएगा, क्योंकि ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो केमिकल है ये क्लॉथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच करने के लिए काम आता था, तो इसको एकदम बिल्कुल पानी में डाइल्यूट करके यूज करना है। अब बात करते हैं इसको आपको कहां कहां पे आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप यूज कर सकते हो इसको आपके घर में स्प्रे करके आपके एरिया को, कहीं पे भी आपको लगता है कि भाई ये अभी कोई आपके बाहर से कोई आके गया है या बहुत फ्रीक्वेंटली कोई विजिटर्स आ रहे हैं या किसी भी वजह से आपको कहीं पे भी आपको डिसइंफेक्ट करना, और ये ऐसा माना जा रहा है कि ये कोरोना वायरस जो है उसको भी ये मार देता है, किल करता है। अब मैंने देखा नहीं है मारते हुए, लेकिन मैं मेरे पास जो जानकारी वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, तो आप अपने लेवल पे इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इसको आप अपने घर में स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे कैसे करना मैं बताता हूं, मेरे पास एक जो मैं मेरी ऑफिस में यूज कर रहा हूं वो बताता हूं आपको। ये 2 लीटर का केन है, इसको आप ऐसे पंप करोगे ना तो पंप करके इसमें हवा भरी हुई रह जाती है, तो इसको आपको बार बार ऐसे कुछ नहीं करना पड़ता, तो इसको आप जैसे आप प्रेस करोगे ये वाला बटन तो ये अपने आप कंटिन्यू स्प्रे करता रहता, तो ये बहुत अच्छी बॉटल है, एक बार में आपने पंप कर दिया तो एयर प्रेशर क्रिएट हो गया इसके अंदर और ये रेगुलरली आपको कंटिन्यू आप जहां स्प्रे करना आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। 2 लीटर की बॉटल है, 2 लीटर मोर देन सफिशियंट है किसी भी छोटी मोटी प्रमाइसिस के लिए। तो अगर आप 2 लीटर की बॉटल में पानी भरोगे, आप 2 लीटर पानी भरोगे तो उसमें जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का छोटा ढक्कन आता है उस ढक्कन का आधा ढक्कन, हाफ ढक्कन आपको इसमें पानी में मिलाना है ना, हाफ ढक्कन से थोड़ा और कम भी डालोगे तो भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप उसको यूज करोगे तो नुकसान कर सकता है, क्योंकि कपड़ा वगैरह है कहीं पे भी, चेयर में नेट लगी हुई है, चेयर की सीट में कपड़ा लगा हुआ है तो वो भी उसको भी आप ये डिस्कवर कर सकते हैं। तो उसमें आप इसको फिर आप इसको पंप करके चारों तरफ आपके प्रेमाइसिस में इधर उधर कहीं टेबल का जो टॉप है कहीं पे भी आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, चारों तरफ आपकी प्रेमाइसिस के चारों तरफ आप उसको स्प्रे कर सकते हैं तो डिसइंफेक्ट। और अगर आपकी जो पब्लिक सीटिंग जो चेयर्स वगैरह है, सोफाज वगैरह, उन पे आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, तो टू बी वेरी सेफ, मतलब आपका प्रोडक्ट डैमेज नहीं हो तो उसका जो सोडियम हाइपोक्लोराइड की क्वांटिटी हो बिल्कुल कम यूज कीजिएगा, पानी थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा। तो एक तो इसका ये यूज हो गया, इसको इधर नीचे रख देते। दूसरा ये है कि जैसे सपोज मान लीजिए आप कहीं इन्फेक्टेड एरिया में जाके आए हैं, किसी कारण से आपको कोई आपके रिलेटिव है कहीं है उनसे आपको मिलना पड़ रहा है, अब आपने आप घर पे आ गए हैं तो आपने जो कपड़े पहन रखे हैं
उसको भी आप पहली बार तो आप कोशिश कीजिए कि सफेद कलर का कपड़ा आप पहन के जाएं उनसे मिलने के लिए, दैट इज मोर सेफ। फिर आप एक बकेट पानी में, एक जो बाल्टी है पानी में, उसमें आप ड्रॉपर से सोडियम हाइपोक्लोराइड के 5 से 10 बूंद उसमें आप सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल दीजिए पानी में। फिर उसको आप अच्छे से हिला करके उस कपड़े को आप उसमें बकेट में डाल के थोड़ी देर छोड़ दीजिए ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए। फिर उसको निकाल करके प्लेन वाटर से उसको आप साफ कर लीजिए ताकि आपके कपड़े में डैमेज मिनिमम हो। सेम इसी तरीके से आपने अगर आप मान लो 4-5 जने आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हैं, तो उसी तरीके से एक मग पानी में, एक मगा होता है जो घर में जो अपन मग यूज करते हैं, उसमें पानी लेकर के और उसमें 5 से 10 बूंद, 5-6 बूंद मान लीजिए, 10 बूंद मतलब कम रखिएगा जो भी आपको रहे, और उसको आप जो आपकी वॉशिंग मशीन है उस पानी में आप पहले आपको इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड को पानी में डाइल्यूट करना मग्गे में, फिर आप उसको आपका जो वॉशिंग मशीन का जो वाटर है, अगर आपकी ऊपर से खुलने वाली वॉशिंग मशीन है तो उसमें पहले से पानी भरा हुआ रहेगा उसमें आप डाल सकते हैं। और आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो जहां पे आप जो ये डिटर्जेंट वगैरह डालते हैं वहां से इसको आपको मग से पानी आप उसमें वॉशिंग मशीन में दे सकते हैं, शुरू में दे दीजिएगा, सो दैट कि सोडियम हाइपोक्लोराइड से वो डिसइंफेक्ट हो जाए फैब्रिक। फिर कपड़ा वपड़ा धुल के, वैसे भी वो गर्म पानी वगैरह आते हैं ऑटोमेटिक मशीन में, उसमें उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी टू बी डबल सेफ ये आप कर सकते हैं सो दैट कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए। तीसरा जो यूज है वो है मॉपिंग में, जो आप घर में जो पोछा लगाते हैं तो जो मॉपिंग की जो बाल्टी में पानी बनाते हैं उसमें कोई भी आपको ये सब बहुत सारे जो महंगे महंगे जो केमिकल्स आते हैं फॉर मॉपिंग, उसमें सबसे अच्छा ये 100 रुपए का सोडियम हाइपोक्लोराइड मंगा के रखिए और इसकी आप एक बकेट पानी में 5 बूंद 10 बूंद करीब आप डाल के हिला करके और इससे आप मॉपिंग कर दीजिए, तो ये बिल्कुल आपकी फ्लोर को डिसइंफेक्ट कर देगा। और बहुत अच्छी चीज ये कि आपके घर में इंसेक्ट्स भी कम आएंगे, जो कीड़े मकोड़े आते हैं ना मच्छर वगैरह वो भी कम आएंगे। अब आपको बहुत शानदार वाली मस्त वाली चीज बताता हूं जो आपको ये कोविड को भूल जाएगा। अब सपोज मान लीजिए आपने घर में खूब सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं, बालकनी में पौधे लगा रखे हैं, छत में पौधे लगा रखे हैं, इधर उधर सब जगह पौधे लगा रखे हैं, तो जब भी आप सोचते हैं ना उस जगह को एंजॉय करें, उस जगह पे बैठते क्या है, खूब सारे मच्छर आ जाते हैं तो वो आपको डिस्टर्ब करने लग जाते हैं, काटने लग जाते हैं, तो उससे आपको बहुत तकलीफ होती है। उस जगह पे भी ये प्रोडक्ट बहुत काम आता है, तो इसको भी सेम ये जो इस तरीके का जो केन है आपके पास, इसमें आप कोई 2 लीटर करीब पानी भर दीजिए और आधा ढक्कन सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल के, और जितने भी प्लांट्स हैं आपके प्लांट्स में और जहां पे भी आपको मकड़ियां वगैरह लगी हुई दिखती हो, जहां पे आपको बहुत सारे इंसेक्ट्स दिखते हो, वहां पे आप उसको स्प्रे कर दीजिए, तो आपको करीब 5 से 7 दिन की या 10 दिन की 11-12 दिन की भी तकलीफ ये कम कर सकता है मच्छरों के काटने की, मच्छर आपके काफी कम हो जाएंगे। और आपके घर में बहुत ज्यादा मच्छर हो तो घर के चारों तरफ भी आप इसकी स्प्रे कर सकते हैं, और जहां पे भी स्टैग्नेंट वाटर हो, जो रुका हुआ पानी वगैरह हो, वहां पे भी आप अगर इसको डाल देंगे या स्प्रे कर देंगे तो भी आपके ये प्रॉब्लम जो है ना मच्छरों वाली, ये भी आपको सॉल्व कर देगी। और एक बहुत ही स्पेशल है, बहुत इमरजेंसी केसेस में या बहुत रिमोट एरियाज में आप रहते हैं तो वहां पे क्या कर सकते हो कि अगर मान लीजिए आपको ग्राउंड वाटर बहुत अच्छा नहीं आ रहा है या पानी की सप्लाई बहुत अच्छी नहीं आ रही है, तो एक फिटकरी और एक सोडियम हाइपोक्लोराइड आपको बहुत अच्छी बेनिफिट दे सकता है। तो जो सपोज मान लीजिए आपने कहीं से पानी लिया और वो पानी गंदा है, तो सबसे पहले तो आप बकेट में थोड़ा सा फिटकरी एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं उसको, तो उसको आप डाल हिला दीजिए, तो थोड़ी देर में वो पानी फट के जो गंदा है वो नीचे बैठ जाएगा। फिर आप उस पानी को उस बकेट से निकाल के किसी दूसरी बकेट में ट्रांसफर कर लीजिए ताकि वो जो नीचे सेटल हुआ हुआ जो गंदगी है वो उसमें रह जाए और आपके पास साफ, थोड़ा रिलेटिवली साफ पानी आपके पास आ गया। और वो जो पानी साफ पानी है उसमें 2 से 4 बूंद अगर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल देते हैं और 1 घंटे बाद उस पानी को यूज करते हैं, तो उसमें जितनी भी बैक्टीरियाज वगैरह है वो सब मर जाएगी, सो दैट वाटर कैन बी सेफर टू ड्रिंक, जो पानी पहले था उससे ज्यादा सेफ हो जाएगा। एंड इफ यू यूज 1 or 2 drops, 3 drops इन 1 bucket ऑफ वाटर, एक बाल्टी में 2 से 3 बूंद अगर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं तो वो पानी बिल्कुल सेफ टू ड्रिंक है, ऐसा मुझे बताया गया और ये एक्सपीरियंस है। फिर भी आप अपनी तरफ से डबल क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैं मेरी लिमिटेड जानकारी के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कहीं आप कहोगे नहीं ये तो गलत है वगैरह, तो वो आप अपने तरफ से आप चेक कर लीजिएगा। बट ये ओवरऑल जो भी थोड़ी अफ्रीकन कंट्रीज है या हमारे राजस्थान में बिल्कुल जो रिमोट लोकेशन है जहाँ पे पानी बहुत कम होता था पहले, ऐसी जगह पे आप आराम से यूज करते हैं। या सपोज मान लीजिए कहीं पे आप बाढ़ में फंस गए हैं और आपके यहाँ पे फ्रेश वाटर सप्लाई नहीं आ रही है, किसी कारण से आपको जो बाढ़ वाला पानी है उसी को यूज करना पड़ रहा है, या कहीं पे भी आप फंस गए, तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो मेरा सजेशन ये है कि अब जो कोरोना का जो टाइम आया है ये 2020,
इसने आपको बहुत सारी नई नई चीजें दी है, ऑनलाइन बिजनेस करना सिखा दिया है, जूम मीटिंग सिखा दी है। तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइट भी एक बहुत शानदार और बहुत प्यारा केमिकल है, इसको आप अपने घर में एक जो कंटेनर है बच्चों से बचा के रखिएगा, थोड़ा सा हल्का सा रिस्की है, बट यू कैन कीप ऑन सोडियम हाइपोक्लोराइट। और कभी आप अलग से दूसरा जो केमिकल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देने की इच्छा हो रही थी, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, आपको लगे कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है, किसी की भी हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, या कहीं पे भी जहाँ पे भी थोड़ी इन्फेक्शन ज्यादा हो, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बहुत यूजफुल कॉन्टेंट है मेरे हिसाब से, अभी प्रेजेंट टाइम्स के हिसाब से। मुझे लग रहा है मैं लेट हो गया, इसको पहले बनाना चाहिए था वीडियो। तो आज मेरे को किसी ने कहा कि ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप देते हो, तो ये आप अपने सब्सक्राइबर्स को भी दो। वैसे मुझे लगा कि शायद मेरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि मैंने ये वीडियो बना के सही किया या गलत किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हेल्थी है तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, पैदल चलिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए और ढंग का खाना खाइए। स्वस्थ रहिए, नमस्कार, जय हिंद।